आई एम ओ हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना होगा हो सकता है आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे तो इस वीडियो में मैं आई एम ओ के रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टूडेंट है स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम ओ तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आई एम ओ क्या होता है आई एम ओ के सिलेबस क्या है और आई एम ओ का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, क्या होगा आई एम ओ का और इसमें अप्लाई कैसे करेंगे एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा क्या ये इंटरनेशनल है या फिर केवल नेशनल लेवल पर ही होता है तो इस वीडियो में हम सारे कुछ देखेंगे तो आप पूरे वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से जान सके आई के बारे में तो चलिए हम पहले देखते हैं व्हाट इज आईएमओ। आईएमओ क्या है द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड तो आईएमओ का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है इज द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैथमेटिक्स कंपटीशन ये क्या है एक चैंपियनशिप मैथमेटिक्स कंपटीशन है फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए नहीं ये सारे स्टूडेंट जो सिक्स में हैं या फिर सेवन में हैं या फिर एट में हैं या फिर नाइन में है उनके लिए भी है और टेंथ क्लास के लिए भी है ये में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हाई स्कूल स्टूडेंट एंड इज़ हेल्ड एनुअली इन द डिफरेंट कंट्री और ये जो होता है एनुअली हर साल होता है अलग अलग देश में होता है अब आई के हिस्ट्री जान लेते हैं द फर्स्ट आई एम ओ वॉज हेल्ड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन इन रोमानिया जो पहला आई एम ओ कंपिटिशन हुआ था वो कब हुआ था नाइनटीन फिफ्टी नाइन में कहा हुआ था रोमानिया में विथ सेवन कंट्री पार्टिसिपेटिंग जिसमें कि सात देश पार्टिसिपेट किए थे इट हैज़ ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टू ओवर हंड्रेड कंट्रीज एंड फाइव कॉन्टिनेंट फ्रॉम फाइव कॉन्टिनेंट तो ये अब जो है एक्सपेंड हो चुका है फाइव कॉन्टिनेंट्स में जिसमें कि हंड्रेड से ज़्यादा देश शामिल हैं द आई एम ओ बोर्ड इंश्योर दै द कम्पटीसन टेक प्लेस इच ईयर मतलब आई एम ओ बोर्ड देखता है कि ये कम्पिटन हर साल हो एंड ईच होस्ट कंट्री और जो होस्ट कंट्री है ऑब्जर्व द रेगुलेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ आई एम ओ वो आई एम ओ के रेगुलेशन और ट्रेडिशन के हिसाब से ही चले अब बात करें आई हेड क्वार्टर इन लंडन आई एम ओ का हेड क्वार्टर कहाँ है लंडन है यूनाइटेड किंगडम में द आई एम ओ करंटली हैज वन सेवनटी फोर मेम्बर स्टेट जो आई एम ओ में अभी हैं एक सौ चौहत्तर मेम्बर्स हैं थ्री एसोसिएटिव मेबर तीन जो है एसोसिएट मेबर हैं इसके आई एम ओ के तो आई सिलेबस 2022 हज़ार जो इस साल आई होने वाला है 2022 में क्लास टेंथ के लिए उनके लिए ये सिलेबस दिया गया है पहला जो सेशन होगा लॉजिकल रीजनिंग का होगा और दूसरा जो सेशन है मैथमेटिकल रीजनिंग का दो सेशन है आपके और एक तीसरा भी सेशन है एवरी मैथमेटिक्स तो यहाँ पर आप लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक देख सकते हैं ये आठ टॉपिक ही आपको आते हैं और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है इसमें भी आपको यही टॉपिक पंद्रह टॉपिक ही आते हैं और जो एवरीडे मैथमेटिक्स है द सिलेबस ऑफ दिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग जो मैथमेटिकल रीजनिंग के सिलेबस है उसी पर एवरीडे मैथमेटिक्स का भी सिलेबस बेस्ड है तो यहाँ कह रहा है द एस क्यू एफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कंसिस्ट ऑफ टू लेवल इसमें आपके इस एग्जामिनेशन में आपके दो लेवल के एग्जाम लिए जाएंगे पहला लेवल का यहाँ पर दिया गया है द लेवल वन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द पार्टिसिपेटिंग स्कूल ड्यूरिंग द स्कूल आवर तो जो फर्स्ट लेवल का जो होगा ये स्कूल आवर में ही आपका हो जाएगा द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सिक्सटी मिनट और इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा सिक्सटी मिनट का देयर विल बी थर्टी फाइव ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पैंतीस ऑब्जेक्टिव टाइप एम सी क्यू क्वेश्चन रहेंगे इन द एग्जामिनेशन फॉर वन टू फोर्थ क्लास मतलब कि एक से चार क्लास तक पैंतीस एम सी क्यू क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट फ्रॉम क्लास फिफ्थ टू ट्वेल्थ नीड टू आंसर फिफ्टी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो एक पाँच क्लास से बारह क्लास तक है इनके लिए पचास एम रहेंगे देयर आर सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच क्लास मतलब हर क्लास के लिए सेपरेट क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे द क्वेश्चन विल बी आस्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे जाएंगे डिटेल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड मतलब एक से चौथे क्लास तक जो है डिटेल दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग का दस क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे दस होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे इसमें से भी आपको दस क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा यानी टोटल दस मार्क्स आपका होगा एवरी डे मैथमेटिक्स भी दस क्वेश्चन रहेंगे एक मार्क्स का एक क्वेश्चन टोटल दस मार्क्स का होगा अचीवर सेशन के पांच क्वेश्चन रहेंगे हर क्वेश्चन दो मार्क्स का यानी यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और टोटल जो मार्क्स रहेगा चालीस मार्क्स का क्वेश्चन पैंतीस क्वेश्चन आपके रहेंगे वैसे ही आपके फाइव से ट्वेल्थ के लिए पंद्रह क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में एक मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी पंद्रह मार्क्स का मैथमेटिकल रीजनिंग में बीस बीस क्वेश्चन रहेंगे एक मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी बीस मार्क्स एवरी डे मैथमेटिक्स से दस क्वेश्चन एवरी डे मैथेटिक्स से आपके दस क्वेश्चन रहेंगे एक क्वेश्चन एक मार्क्स का यानी टोटल दस मार्क्स का क्वेश्चन अचीवर सेक्शन से पाँच क्वेश्चन एक मार्क्स का तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी टोटल पंद्रह मार्क्स के क्वेश्चन तो टोटल हो गए आपके साठ मार्क्स के यानी फिफ्थ टू ट्वेल्थ के लिए साठ मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और फर्स्ट टू फोर्थ के लिए फोर्टी मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे अगर हम लेवल टू की बात करें तो द लेवल विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर स्टूडेंट्स थ्री थर्ड स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मतलब तीन क्लास से बारह क्लास तक ही ए, लेवल टू का एग्जामिनेशन होगा वन टू का नहीं होगा लेवल टू का एग्जामिनेशन द क्वालीफायर ऑफ टू सेकेंड राउंड वुड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग जो सेकेंड राउंड में क्वालीफाई होगा एट स्कूल लेवल स्कूल लेवल पर टॉपर ऑफ़ द क्लास जो क्लास के टॉपर होंगे वो वेयर एटलीस्ट टेन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड स्कोर ए मिनिमम फिफ्टी परसेंट क्वालिफिकेशन मार्क्स ये सारे जो होंगे उनके स्कूल लेवल पर क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे एट जोन और स्टेट लेवल और स्टेट जोन लेवल पर जो होंगे वो टॉप ट्वेंटी फाइव रैंक होल्डर होंगे यानी सारे स्कूल्स को मिलाकर एक जोन या स्टेट लेवल पर होगा तो उसमें से पच्चीस स्टूडेंट को लिया जाएगा एट इंटरनेशनल लेवल जो इंटरनेशनल लेवल पर होंगे क्लास वाइज टॉप फाइव परसेंट ऑफ दंडिनेट हु टेक पार्ट टेक द फर्स्ट लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम इंटरनली जो फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम इंटरनली लिए दिए हैं उन्हीं को उन्हीं में से हर क्लास से पाँच परसेंट को ही चूज किया जाएगा जो टॉप होंगे स्कूल लेवल और जोन लेवल पर भी अब हम बात करते हैं आई एम ओ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो हज़ार बाईस जो दो हज़ार बाईस में आई एम ओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए तो आई एम ओ लेवल वन एलिजिबिलिटी तो लेवल वन के लिए जो एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट फ्रॉम क्लास वन टू ट्वेल्व कैन अप्लाई फॉर द लेवल वन एग्ज़ाम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक मार्क मतलब कि उनके अकेडमिक मार्क्स के कोई मतलब नहीं रहेगा अप्लाई कर सकते हैं कोई भी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इसलिए रखा गया है कि जो इंक्रीज करें पार्टिसिपेंट में इंक्रीज हो ताकि बहुत सारे लड़के इसमें भाग ले सकें क्लास वन टू ट्वेल्व स्कूल स्टूडेंट पर एजुकेशन विद इन द कंट्री और बोर्ड कैन बी ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड लेवल वन एग्जामिनेशन जो वन से ट्वेल्व तक पढ़ रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब लेवल टू की बात करें ओनली द स्टूडेंट हु परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम इन द लेवल वन एग्जाम जो केवल लेवल वन एग्जाम में परफॉर्म बहुत अच्छा किए हैं गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एग्जाम टू तो वही लेवल टू एग्जाम में बैठेंगे द फॉलोइंग स्टूडेंट विल भी एलिजिबल ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे फ्रॉम इच क्लास द टॉप फाइव परसेंट ऑफ स्टूडेंट विल क्वालिफाई फॉर लेवल टू मतलब हर एक क्लास से जैसे मान लीजिए थर्ड थर्ड क्लास का मान लेते हैं तो थर्ड क्लास के जितने एग्जाम हुए उसमें से केवल पाँच परसेंट ही स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे लेवल टू एग्जाम के लिए फुल फुल ट्वेंटी फाइव जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज रैंक होल्डर विल ऑल्सो बी इलिजिबल यानी कि जोन वाइज और कैटेगरी वाइज भी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया जाएगा क्लास टॉपर फ्रॉम इस स्कूल पार्टिसिपेटिंग स्कूल इनरॉल्ड एट लीस्ट द टेन स्टूडेंट फ्रॉम क्लास इन द एग्जाम जो दस, दस लड़के को जिस स्कूल ने पार्टिसिपेट कराया है क्लास में उसके एक ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो क्लास में टॉपर होगा एंड स्कोर 50 परसेंट क्वालिफाइंग मार्क और जो क्वालिफाइंग 50 परसेंट से ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स लाया होगा उसी को से लेवल टू के लिए तैयार किया जाएगा इन केस ऑफ सेशन वाइज रजिस्ट्रेशन द टॉप रैंक होल्डर विल भी एलिजिबल फॉर लेवल टू तो लेवल टू के लिए टॉपर्स टॉप रैंक होल्डर ही एलिजिबल होंगे तो अब बात करें अप्लीकेशन फॉर्म की तो इसका जो रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल के द्वारा हो, हो होना चाहिए और स्कूल से हर क्लास से आपको एटलीस्ट दस लड़के चाहिए अगर आप फाइव क्लास के करते हैं फिफ्थ क्लास के करते हैं तो आपको फिफ्थ क्लास के लिए टेन स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपको इसके लिए हर एक स्टूडेंट के लिए पच्ची एक सौ पच्चीस रुपया लगेंगे अगर आप इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फॉर्म फ़िल करते हैं तो वो वो आपका फॉर्म जो हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में अगर आप फॉर्म फ़िल करते हैं तो एक ही बार में फुल फॉर्म फ़िल कीजिए आई एम ओ फ़ी 2022 तो 2022 में जो आई होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी कितना होने वाला है द रजिस्ट्रेशन फॉर एप्ली द रजिस्ट्रेशन फी अप्लीकेबल फॉर द सिक्सटीथ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड इज एज फॉलो इंडिया बांग्लादेश भूटान नेपाल एक सौ इन चार देशों में एक सौ लगेंगे इंक्लूडिंग जी एस पर स्टूडेंट जी के साथ पर स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम एनी मेजर फिजिकल डिसेबिलिटी जो मेजर बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा नील स्टूडेंट हुज पेरेंट्स वाज मार्टर्ड ड्यूरिंग डिफेंस ऑपरेशन जिस जिनके पेरेंट्स किसी भी डिफेंस डिफेंस ऑपरेशन के समय मार्टर्ड यानी कि मारे गए होंगे उनके लिए भी कोई पैसा नहीं लगेगा फीस फॉर द स्टूडेंट ऑफ अदर कंट्री जो दूसरे देश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नाइन डॉलर यू का नाइन डॉलर के रूप में उनके लिए अप्लीकेशन फ़ी लगेगा आई एम ओ इम्पॉर्टेंट डेट्स दो हज़ार बाईस तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए सिक्सटीथ आई एम ओ फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन यानी फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन आपका कब होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दो हज़ार बाईस में हो सकता है या फिर फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर दो हज़ार बाईस या फिर थर्ड वीक ऑफ जनवरी दो हज़ार तेईस यही आपके एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड डेट्स हैं फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन के सेकेंड लेवल एग्जामिनेशन के जो डेट है सेकेंड और थर्ड संडे ऑफ फरवरी दो हज़ार तेईस जो फरवरी दो हज़ार तेईस है उसमें हो सकते हैं सेकेंड और थर्ड संडे को सिक्सटीथ आई एम ओ फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन एंसर की तो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन का जो एंसर किया जाएगा वो आ सकता है आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में यानी कि एग्जाम के एक सप्ताह बाद जब भी एग्जाम हो आपके एक सप्ताह बाद आपका एंसर की अपलोड कर दिया जाएगा सिक्सटीथ आई एम ओ रिजल्ट लेवल वन जो लेवल वन का रिजल्ट है ये आपको थर्ड वीक में आ आ सकता है और सिक्सटीनथ आई एम ओ थर्ड वीक ऑफ जनवरी में और सिक्सटीन आई एम लेवल टू का रिज़ल्ट जो है फोर्थ वीक ऑफ जनवरी यानी कि ये आपका एक एक्सपेक्टेड डेट है ये ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन एग्ज़ाम हो